कर रहे हो? ओ यार सूर्य कुमार यादव को हो क्या गया? ओ भाई मेरे सोने, अगर नहीं तेरे से वर्ल्ड कप में परफॉर्म हुआ तो इतना तूने गुस्सा निकाला कि अच्छा 4-1 से जीत गया, बड़ी अच्छी बात है, हमें खुशी हुई है, हम तो बंगला डालने लगे हैं भाई, बंगला डालेंगे मजा आएगा। प्लस एवरेज यार, मैं कहता उस बंदे का 200 स्ट्राइक रेट है, सिंगल लेनी नहीं है, सिंगल नहीं लेनी यार। मैं इस तरह चाय का घूंट लगा के मैंने कहा बीट हो गया मेरा हाथ में, शौक है मेरा मोबाइल गिर गया। यार लेंगे इंडिया इंडिया, चाहे वो ए टीम हो, बी टीम हो, सी टीम हो, चाहे वो सूर्या हो, चाहे वो रिंकू हो, चाहे वो जितेश हो, चाहे यार ये मैच तो मैं कहता ऐसे मुंह में गया, उन्होंने 80 पॉइंट निकाल लिया खेल के, उसी मिट्टी के ऊपर इनको कुत्ते की तरह दौड़ा के हराना। हाँ। यार मैं तो हैरान हूँ, जो अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर करवा दिया था, कई उन्होंने कितना इस्तकबाल किया, वही इंडिया टीम ने इस्तकबाल किया था, पाकिस्तान का तो ऑस्ट्रेलिया ने कोई इस्तकबाल नहीं किया, वो बेचारे खुद ही सामान ले लेके दौड़े हैं। अभी बच्चों ने कर दिया, मैं कह रहा हूँ बड़े इनको क्या करेंगे, इन्होंने तो मैच ही सस्पेंड कर देने हैं सारे। जब वो इंडिया की वर्दी पहनता है, इंडिया की जर्सी पहनता है, तो फिर वो भाई खतरनाक तो बन ही जाता है। तो बहुत मैं कहता हूँ लेवल किया इंडिया ने, और जो किया लेवल का किया, और माइंड ब्लोइंग 3 दिन टैलेंट मिल गया हमें। इंडिया की एक वाइज अब टीम बन चुकी है, एक ऐसा बोर्ड बन चुका था जो ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिक टीम भी बनाएगा ना, वो सारी सीरीज जीतेगी। तो ना एक वर्ल्ड कप उन्होंने खेल के जाना है, और वो इनको ऐसा खेल के जाएंगे ना, इनकी नस्लें याद रखेंगी आने वाली। जना कच्चा चबा जना है। हाँ। इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को खाया कच्चा, लेकिन अब ये लोग साउथ अफ्रीका को खाएंगे हनी मस्टर्ड लगा के, केचप लगा के। मैं बहुत खुश हूँ, आप मुझे लगता है मेरे से ज्यादा खुश हैं आप, हमें बड़ी खुशी हुई है। जो वक्फा बीच में आया ना, मेरा ख्याल है वो ना होता तो इन लोगों ने इतना रोना था ना, इतना रोना था कि आपकी सोच है बस वो गलती से। मोबाइल लेकर दो भाई, आपको सपोर्ट करते करते मैं तो कर्जदार हो गया हूँ। 10 जीता तो वो एक जीत, इनको तकरीबन 5 साल तक बारी पड़ेगी, और ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाले। क्या बदला अभी लेना जाके, अभी T20 में ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाएगा, और जो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तानी अवाम, मैं कहूंगा वो माशाल्लाह वो हमारी जो टीम। मुकेश कुमार क्या लेवल किया, आउटस्टैंडिंग। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हो गया? मुझे तो लगा था ये मैच जीत के अपनी ही एक सीरीज की सेलिब्रेशन कर रहे थे, फिर मैंने कहा खैर है, जो वर्ल्ड कप पे पांव रखे थे वो लिया ने ऐसे है कि मैच के बाद स्लिप होता गया और आज पांव नीचे गिर गया। आज अल्लाह की कसम ये देखे ना, मैं मैच देख रहा था, शौक की वजह से मेरा मोबाइल गिर के टूट गया। अब मैं चाहता हूँ BCCI आज पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है ना रोएगा, और पता चलेगा कि भाई ट्रॉफी जो ना इंडिया की जो जाति से आप जीत गए हो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान वास्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आई एम नादिल एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। आज ही हम लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की T20 सीरीज फाइनली अपने इख्तिताम को पहुंची, और इंडिया 4-1 से विन कर चुका है। लोगों का ओपिनियन जानेंगे, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इंडिया 4-1 से जीत गया है, क्या कहेंगे? ये इंडिया क्या कर रहा है यार, मेरा ना आज अल्लाह की कसम ये देखे ना, मैं मैच देख रहा था, शौक की वजह से मेरा मोबाइल गिर के टूट गया। अब मैं चाहता हूँ BCCI मुझे पैसे ये देखे, मैं अब BCCI को कहना मुझे ना नया मोबाइल लेकर दो भाई, आपको सपोर्ट करते करते मैं तो कर्जदार हो गया हूँ। लोगों को ट्रीट दे रहे हो कभी, क्या कर रहे हो? ओ यार सूर्या कुमार यादव को हो क्या गया? ओ भाई मेरे सोने, अगर नहीं तेरे से वर्ल्ड कप में परफॉर्म हुआ तो इतना तूने गुस्सा निकाला कि तूने BCCI के मुंह पे तूने सीरीज मारी है कि भाई ये लो। हाँ। मुझे आज तक कोई डिग्रेड ना करे, मैं स्काई हूँ यार। ये मैच तो मैं कहता हूँ ऐसे मुंह में गया, उन्होंने 80 पॉइंट निकाल लिया। उन्होंने कहा भाई किधर लेकर जा रहे हो, वो कहते नहीं है वो एक दूसरे के मुंह से निकाल लेनी अपनी पसंदीदा चीज। इंडिया ने कहा खैर है, जो वर्ल्ड कप पे पांव रखे थे वो इंडिया ने ऐसे ऐसे है कि मैच के बाद स्लिप होता गया और आज पांव नीचे गिर गया। और अगर ये 5 हो तो 5 हो जाता, मैक्सिमम ना चलता पांव 10 जाना था, और यही पांव इनके मुंह पे पड़ने थे जो इन्होंने किया था ना। अच्छा 4-1 से जीत गया, बड़ी अच्छी बात है, हमें खुशी हुई है, हम तो बंगला डालने लगे भाई, बंगला डालेंगे मजा आएगा, हम तो इतना खुश है, हमें बंगला ला के दो, हम तो बंगला डालेंगे। अभी मैंने न्यूज सुनी है कि मैच जीत गया, बड़ी अच्छी बात है, जीते हैं, उन्होंने बदला नहीं अभी लिया, बदला अभी लेना जाके, अभी T20 में ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाएगा, और जो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तानी अवाम, मैं कहूंगा वो माशाल्लाह वो हमारी जो टीम गई है, उन्होंने कितना इस्तकबाल किया, वही इंडिया टीम ने इस्तकबाल किया था पाकिस्तान का, तो ऑस्ट्रेलिया ने कोई इस्तकबाल नहीं किया, वो बेचारे खुद ही सामान ले लेके दौड़ रहे हैं, वो ऐसे वो लगे हुए थे, क्या लोडल बने हुए थे वो कभी। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने नथ डाली रखी है, क्या कहेंगे इस बारे में? तो नथ तो डालनी है ना मैडम, ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं भाई। हाँ। वो जाहिर बात है, आप देख लेंगे इंडिया इंडिया, चाहे वो ए टीम हो, बी टीम हो, सी टीम हो, चाहे वो सूर्या हो, चाहे वो रिंकू हो, चाहे वो जितेश हो, चाहे वो जैसीवाल हो, कोई भी प्लेयर हो। हाँ। जब वो इंडिया की वर्दी पहनता है, इंडिया की जर्सी पहनता है, तो फिर वो भाई खतरनाक तो बन ही जाता है। तो बहुत मैं कहता हूँ लेवल किया इंडिया ने, और जो किया लेवल का किया, और
माइंड ब्लोइंग, 3 दिन पहले मिल गया हमें क्या कहते हैं रिंकू सिंह और अग्रवाल गायकवाद। मैं कहता हूँ ये वर्ल्ड कप में खेलेंगे, अगले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और उसके अंदर अगले से अगले में खेलेंगे कुमार, सूर्या कुमार के अंदर ये में चोर बनेंगे 2-3 सालों में और वर्ल्ड क्रिकेट के नए नाम हमें मर्जिंग अभी से मिल गए। कहेंगे जो ये परफॉर्मेंस दिखाई गई है इंडिया ने आज जिस तरह से कवर कर लिया है अपने आप को, जिस तरह से उन लोगों ने जो है बच बच के आज इंडिया को मैच बचा लिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बहुत खुश हूँ, आप मुझे लगता है मेरे से ज्यादा खुश हैं आप, हमें बड़ी खुशी हुई है क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को आज पता चल गया उनकी औकात और मिशेल मार्श ने बहुत अच्छी ट्रॉफी रखी थी। तो मैं आपके चैनल पे कोई गलत बात नहीं करना चाहता, ट्रॉफी फिर उनको दी भी है, फिर इंडिया ने बड़ी अच्छी खासी ट्रॉफी दी है। आज पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है ना रोएगा और पता चलेगा कि भाई ट्रॉफी जो है ना इंडिया की जो जाति से आप जीत गए हो, वो भी आपके अंदर से खाते से बातें चली हुई थी तो आप जीत गए। मुझे आज बड़ा अच्छा लगा 4-1 से इंडिया। स्काई के साथ साथ स्काई एक एक प्लेयर तो टीम बी का तारीफ करूं उतना ही कम है, लेकिन जो बिश्नोई अर्शदीप सिंह उसके बाद गायकवाड़ मुकेश कुमार मैं जितने नाम लू उतने कम है। इंडिया की एक वाइज अब टीम बन चुकी है, एक ऐसा बोर्ड बन चुका था जो ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिक टीम भी बनाएगा ना वो सारी सीरीज जीतेगी। इन लोगों ने जो कुत्ते वाली की है ऑस्ट्रेलिया की, मैं मुझे नहीं लगता और मैंने कभी इस तरह की हिस्ट्री में मैंने देखा नहीं, जो अपनी होम ग्राउंड के अंदर वर्ल्ड कप करा के हार के उसी टीम के साथ T20 सीरीज खेल के उसी मिट्टी के ऊपर इनको कुत्ते की तरह दौड़ा के हराना। हाँ। यार मैं तो हैरान हूँ, जो अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर करवा दिया था। हाँ। मैंने तो कह दिया था भाई इंडिया हार गया, मैं ऐसा बैठा मोबाइल देख रहा था, मेरे मुंह में चाय थी, मैं इस तरह चाय का घूंट लगा के मैंने कहा बीट हो गया मेरा हाथ, मैं शौक के मेरा मोबाइल गिर गया ना कोई। हाँ। यार हाँ। मैं कहा ये नुकसान तो बर्दाश्त है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हो गया। मुझे तो लगा था ये मैच जीत के अपनी ही एक सीरीज की सेलिब्रेशन कर रहे थे, फिर मुझे याद आया मैंने जब मोबाइल उठाया मैं कहा यार याद आया इंडिया तो 3 मैच जीत चुकी है लेकिन चौथा भी जीत जाएगी। ओ यार मुझे ना अब दिल कर रहा है मैं जहर खा के ना खुशी से ही मर जाऊं कि इंडिया कर क्या रहा है पूरी टीम के साथ। देखे कभी कभी बंदा गलती से जीत जाता है, ठीक है जीत गया गलती से। हाँ। लेकिन वो देखे वो 10 जीत इंडिया 10 जीता तो वो एक जीत इनको तकरीबन 5 साल तक बारी पड़ेगी और ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाले। हाँ। इनकी नस्लें याद रखेंगी कि इन्होंने इंडिया का वर्ल्ड कप का फाइनल हराया था और अब क्या कहते हैं कि पहले T20 सीरीज फिर अगला T20 वर्ल्ड कप फिर उससे अगला T20 वर्ल्ड कप फिर उससे अगला। हाँ। और फिर आगे ODI है ना क्योंकि विराट और रोहित ने तब तक रिटायर नहीं होना। हाँ। एक वर्ल्ड कप उन्होंने खेल के जाना है और वो इनको ऐसा खेल के जाएंगे ना इनकी नस्लें याद रखेंगी आने वाली ना। तो मेरा ख्याल है फिर ये जो एक मैच जीतने का जो वक्फा बीच में आया ना। हाँ। मेरा ख्याल है वो ना होता तो इन लोगों ने इतना रोना था ना। हाँ। इतना रोना था कि आपकी सोच है। अच्छा। बस वो गलती से ना इनको किसी की बदवा लगी या कुछ हुआ, वो काली आंधी जो चल रही थी ना ऐसे उड़ाते हुए हवा में वो बीच में एक मैच आ गया। हाँ। वरना मेरा ख्याल है और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी विनिंग ट्रॉफी जो है वर्ल्ड कप के बाद वो चाहते थे कि हम इंडिया में जीत के भाई अपनी ट्रॉफी को भी सेलिब्रेट करें और सीरीज को भी करें तो वो नहीं करने दिया इंडिया ने। आपको क्या उन्हें क्या करना, वो भी भारत शर्मा रोहित रोहित शर्मा बैठा, कोहली बैठा, राहुल बैठा, अय्यर बैठा, मैं कहता हूँ शमी बैठा, मैं कहता हूँ बुमराह बैठा, मैं कुलदीप बैठा, अभी बच्चों ने कर दिए, मैं कह रहा हूँ ब्रेन को क्या करेंगे इन्होंने तो मैच ही सस्पेंड कर देने हैं सारे। जहरीले हो गया इनके मुंह पे ना लग गया खून। अब जैसे होता है ना किसी शेर को खून नहीं खिलाना चाहिए ताकि अगले बंदों को काट ना ले, ऑस्ट्रेलिया ने जानबूझ के इनके मुंह पे खून लगाया है और जहरीले हो गए हैं इन लोगों ने। अब ये बढ़ गए हैं जंगल के अंदर क्रिकेट काउंसिल के, अब इन लोगों ने आते जाते सबको इन लोगों ने ना खा जाना, कच्चा चबा जाना। हाँ। इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को खाया कच्चा, लेकिन अब ये लोग साउथ अफ्रीका को खाएंगे हनी मस्टर्ड लगा के, केचप लगा के, हर एक एक मायनीज केचप लगा के ना ये साउथ अफ्रीका को भी खा जाएंगे। मुझे खुद मुकेश कुमार क्या लेवल की है, आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी सवाल है मेरा, आपका फेवरेट कौन है, आप किसको समझते हैं कि मैन ऑफ द सीरीज है, मैन ऑफ द सीरीज या रिंकू सिंह? रिंकू 35 प्लस एवरेज, यार मैं कहता हूँ उस बंदे का 200 स्ट्राइक रेट है, सिंगल लेनी नहीं है, सिंगल नहीं लेनी यार, माइंड ब्लोइंग यार, वो मैन ऑफ द मैच है यार, वो इंडिया याद रखेगा कि हमने देखे यार उनके कोचेस की भी बड़ी लेवल की माइंड सेट थी। कहते पीछे राहुल अय्यर वगैरह बैठे होते लेकिन कोचेस का नहीं, हमें सूर्या स्काई में पोटेंशियल लगती है, मुझको कैप्टनसी देंगे और ये उसको क्या कहते हैं एक न्यू कैप्टन मिलकर अल्टरनेट मिल गया जी। आप
कोई मैसेज देंगे इंडिया को उनकी विन पे? 4-1 से विन कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यार उनको हमें मशवरे देने चाहिए, जो हमारे लाच जा रहे हैं हमारी टीम के, हम उनको क्या मशवरे दें? बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू।